Hello guys, in this video I am going to talk about our medicine facts. This video slides copyrights are reserved to Professor Meeta Kotecha, HOD, PG Department of Dravagya Vigyan, NIA Jaipur. So in this video I am going to talk some of her facts and myths that she told. So let's get started. First we will talk about the ahar. So ahar, nidra and brahmacharya, that is food, sleep and celibacy, these are the important pillars of the life that is very that should be used in our daily life for making our life sustainable and good. So kya hota hai ki ayurveda mein jo bhi ahar ki prakriya hai wo sari varnan ki gayi hai, jaise ki agar hum koi bhi stri agar garbh dharan karti hai तो उससे उसको किस तरीके का आहार लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सारी एक्सप्लेनेशंस आयुर्वेद में बताई गई हैं. प्रोफेसर राव ने इसको गैस्ट्रोडायनेमिक्स कहा है. गैस्ट्रोडायनेमिक्स मींस कि हम एज के साथ विद दी बिहेवियर वी आर चेंजिंग आवर डाइटरी स्टाइल्स. सो बाय कोर्स ऑफ टाइम यू इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट ऑल द मिथ्स रिगार्डिंग फूड आर्टिकल्स. सो आहार शुड बी एज पर अग्नि, नॉट एज पर टाइम. आजकल का मॉडर्न जमाना क्या कहता है कि टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अग्नि के हिसाब से भूख लगे तो खाना खाना चाहिए. फर्स्ट मिथ इज फ्रूट आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, ऐसा मॉडर्न मानता है. आयुर्वेद क्या मानता है कि हर फ्रूट सबके लिए नहीं बना होता है, जिसको जो सूट करे वही खाना चाहिए. एंड वन ऑफ द फ्रूट कॉल लकूच आर्टोकार्पस लकूचा इज वेरी अनहोलसम, दैट इज ये किसी को भी सूट नहीं करता. सेकेंड मिथ इज फ्रूट कैन बी कंज्यूम्ड एट एनी टाइम, फ्रूट को कभी भी खा लो ऐसा नहीं है. फ्रूट शुड बी ईटन एट द बिगिनिंग ऑफ द मील. और ये मॉडर्न भी कहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या कुछ भी, तो फिर आपको खाना खाने से पहले ही इसको लेना चाहिए. खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी वो खाना पचा भी नहीं और आपने नया खाना ले लिया है ऊपर से, अध्यसन कहता है आयुर्वेद में, सो इट शुड नॉट बी डन. एंड या द पेक्टिन प्रेजेंट इन द फ्रूट इज हैवी टू डाइजेस्ट. दस द मॉडर्न न्यूट्रिशन जो होते हैं ऑल्सो एडवोकेट्स टू अवॉइड फ्रूट कंजम्पशन एट नाइट, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और नाइट में हमारी डाइजेस्टिफायर सबसे कम होती है, सो वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टाइल. सो नेक्स्ट इज द रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड. आजकल मिथ है कि रॉ वेजिटेबल्स खाओ, सैलड्स खाओ, कच्चे ही कच्चा सैलड लेके बैठ जाते हैं एक एक कटोरी, सो दैट इज जस्ट फ्यूटाइल, बिकॉज रॉ वेजिटेबल्स एग्रीवेट्स ऑल द दोषेस. एंड कुक करके, स्टीम करके या ऑयल में फ्राई करके थोड़ा खाना चाहिए, सो दैट इट डजंट हार्ड टू मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ड टू डाइजेस्ट. And yes, it's helpful also and get assimilated properly in our digestive system. Next is the curd, that is dadhi. Myth hai ki curd is good for digestion and soothes an inflamed digestive system. So this is just fake. This is myth. Curd aisa nahi karta hai. Curd hume nahi khana chahiye in the summer season. It is one of the most prominent substances to cause inflammation. Is said by Ayurveda. Now, myth number second for dadhi is that it is light to digest. Aisa lagta hai ki milk khao properly digest ho jayega, but aisa nahi hai. It is heavy to digest and should be avoided in the summer season. Because wo sparsh mein thanda hota hai, lekin pet mein ja kar ke wo garam karta hai. Jaise ajwain hota hai, pet mein garam karta hai, garmi deta hai. Waisi curd bhi hota hai, so it should be eaten in the sharad ritu, winter seasons. मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो भी यही कहता है दैट पीपल शुड बी केयरफुल विद द क्वांटिटी दे कंज्यूम ईच वीक ऑफ दिस कर्ड एंड इट इंक्रीजेस द जॉइंट पेन. जिनको जॉइंट पेन है उनको दही नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट इज द घी. घी इज हार्मफुल फॉर हेल्थ एज इट इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी. ऐसा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं घी मत खाइए, घी ये है वो है फलाना ठिकाना, कुछ नहीं है. घी इज वेरी गुड, इट इज कंसीडर्ड एज अमृत. In Ayurveda, it improves memory, good for having better progeny. And yes, ghee digestive fire ko increase karta hai. Jaise kahin aag lagi ho, ghee dal do to achha wo hota hai na. To waise hi hamare shareer mein bhi aisa hi hota hai. It doesn't evaluate effect of ghee on cardiovascular system. It's nothing like that. Cooking oil instead of vegetables or using ghee is a very good idea. HDL cholesterol badhta hai isse, LDL cholesterol reduce hota hai. And you should know ki HDL cholesterol is the good cholesterol considered in our body.
Next is a refined oil. Refined vegetables oil is good for health. And all has been refined by using chemicals. आपको पता है कि refined oil क्या है? जो low quality और rotten seeds बाहर के देशों में बनती हैं, बन रही हैं, तो वो क्या होता है? It's just a waste. उसका बनाया जाता है ये refined oil. So it should be avoided. सो रिफाइंड ऑयल शुड नॉट बी यूज फॉर डीप फ्राइंग बिकॉज इनका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. घी के तेल, सरसों या सेसमी ऑयल से बहुत कम होता है. सो इट शुड बी अवॉइडेड. इसको नहीं खाना चाहिए रिफाइंड ऑयल को, क्योंकि अगर हम इसमें पूड़ी छानते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इंटू इरिटेटिंग कंपाउंड कॉल्ड एसरोलेन. और मॉडर्न कंसेप्ट भी ये कहता है दैट घी इज मोस्ट स्टेबल फैटी कंपाउंड. आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल देन ऑब्वियसली यू मस्ट हैव रेड अबाउट दी स्टेबल फैटी कंपाउंड्स. सो या इट शुड बी यूज फॉर द फ्राइंग प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज स्प्राउट. स्प्राउट्स तो सब जानते होंगे, फेवरेट होगा सबका जिम जाने वालों का. सो या वी विल टॉक अबाउट द स्प्राउट मिथ्स एंड फैक्ट्स. Nowadays, sprouts are considered as a wonder of food with high nutritive value. ऐसा मिथ है, स्प्राउट खाओ बहुत अच्छा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. स्प्राउट खाते हैं कच्चा अगर हम, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता. हमें हमेशा स्प्राउट्स को वो करके खाना चाहिए, लाइक स्टीम करके खाना चाहिए, बॉयल करके खाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. अगर हम उसको रॉ खाते हैं तो आप सोचो किसी भी चीज़ में अगर स्प्राउट जम रहा है तो इट कंसिस्ट ऑफ द ईकोलाई एंड साल्मोनेला टाइप ऑफ बैक्टीरिया. सो दिस शुड बी अवॉइडेड. सो नेक्स्ट इज द फॉल्स सीड, दैट इज अतासी. फॉल्स सीड तो बहुत कॉमन हो गया है खाना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं इसको रिलेटेड कि हाँ ये खाओ इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है. ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, यू शुड नो. इट इज़ नॉट इजीली एसिमिलेटेड. एसिमिलेटेड का मतलब है कि प्रॉपरली हमारे शरीर को जाता नहीं है, हमारे शरीर इसको ले नहीं पाता ठीक से, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एसिमिलेट नहीं हो पाता. सो इट्स नॉट गुड. नेक्स्ट इसके क्या मिथ है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ बहुत अच्छा होता है, अनडिजायरेबल फैट को ये कम करता है. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी कफ एंड पित्त वर्धक, मतलब आलसपन को और हमारी पित्त को बढ़ाता है. दोज हुआ फ्रॉम आयुर्वेदिक बैकग्राउंड वुड हैव अंडरस्टूड. जल, वाटर, मिथ क्या है? बहुत सारा पानी पियो, दिन में पता नहीं कितना ग्लास पानी गटक जाओ. सो दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. आयुर्वेद सेज कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पिए, हर घंटे पिए, लेकिन एक स्ट्रेच में 1 ग्लास, 1 लीटर उठ के सुबह उठे 1 लीटर पानी पी लिए, ये कोई तरीका नहीं है. नेक्स्ट इज द मिल्क शेक. मिल्क शेक्स फेवरेट. या सो फ्रूट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स. एडिंग मिल्क जस्ट मेक दैम टेस्ट नाइस बट ऑल्सो मेक दैम इम्यूनिटी बूस्टर. वॉट अ मिथ. सो फैक्ट इज वॉट कि हर फ्रूट को दूध के साथ नहीं डालना चाहिए. दिस इज आयुर्वेद सेज. नेक्स्ट इज द तुलसी. तुलसी वाली चाय पियो और आपका जुकाम, सर दर्द सब सही हो जाएगा. सब मिथ है. फैक्ट क्या है दैट मिल्क के साथ तुलसी नहीं कंबाइन करना चाहिए. आप पहले खा लीजिए, बाद में खा लीजिए. नेक्स्ट इज द हनी. हनी शुड बी टेकन विद वॉर्म वाटर. इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. हनी शुड नेवर बी कंज्यूम विद हॉट वाटर और इन हॉट वाटर. देन इज द मशरूम. मशरूम नहीं खाना चाहिए, ओट्स नहीं खाना चाहिए. बहुत सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं. इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग टू एक्सप्लेन ऑल. सो या ओट्स क्यों नहीं खाना चाहिए? आप जानते होंगे जौ क्या होता है. तो जौ का सबसे निकृष्ट, सबसे लो क्वालिटी अगर कुछ है तो जौ के फॉर्म का, वो है ओट्स. तो इसलिए आप जौ खाएं, ओट्स को अवॉइड करें अगर आपको इतना ही अपना बॉडी मेंटेन करना है. सो या नेक्स्ट इज दी मैदा. ये भी नहीं खाना चाहिए, इट वेरी बैड. ग्रिल्ड फूड्स नहीं खाने चाहिए. कंक्लूजन क्या है? सैलेड्स नहीं खाना चाहिए. और उसके बाद आयुर्वेद में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं. अपथ्य क्या है? दैट इज जो नहीं खाना चाहिए दैट इज अपथ्य. जो खाना चाहिए दैट इज गुड फॉर द बॉडी एंड अब्सॉर्प्टिव इज पथ्य. सो वी शुड नो दैट एंड वी शुड ईट अकॉर्डिंग टू दैट. आयुर्वेद सेज स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी. Thank you for watching my channel and yeah, please subscribe my channel for more such